पिंपरी चिंचवड़ शहर में अवैध धंधों पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा नजर रख कार्रवाई की जा रही है। लगातार कार्रवाइयों से शहर के अवैध धंधे करने वालों की कमर टूट गई है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने फिर एक बार पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के मार्गदर्शन पर अवैध धंधे पर कार्रवाई कर लाखों का माल बरामद किया है। चाकर परिसर में अवैध जुगाड़ अड्डा और शराब की अवैध रूप से चल रहे बिक्री करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जुगाड़ अड्डे से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,15,000 रुपए का माल बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा सेल ने शराब की अवैध वाहतूक करने वाले अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। चाकर इलाके में कुछ लोग अवैध तरीके से देशी और विदेशी शराब की वाहतूक कर रहे थे, ऐसी जानकारी सामाजिक सुरक्षा सेल को मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने 7,00,000 रुपयों की देशी विदेशी शराब और 2 बोलेरो पिकअप जीप, 1 विटारा ब्रेजा कार बरामद की है, जिसकी कीमत 19,00,000 बताई जा रही है। जिसे लेकर अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये शराब किन लोगों को बेची जानी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।